बिला तमहीद, वक्त बहुत हो चुका है। देखिए रात के एक बजने के बाद अगर किसी गजल के शायर को लगाया जा सकता है तो जनाबे अली बाराबंकी साहब को लगाया है, जो ऐसे नाजुक वक्त में वो काम कर सकते हैं, जो इस वक्त गजल से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने रूमानी जज्बात को बड़े सलीके से पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं जनाबे अली बाराबंकी से गुजारिश कर रहा हूँ, बिला तमहीद गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अली बाराबंकी, हाजरीन महफिल, डाइस पे बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। दोस्तों मैंने सलाम किया है, कुछ उधार नहीं मांगा है आपसे, फिर से एक बार सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके कस्बे में पहली बार मेरी हाजिरी हाजी मंजूर प्रधान साहब के तवसुत से। दिल खैराबादी साहब तशरीफ रखते हैं बहुत। अब शुरू में तो बड़ा बेदार आप थे, ये महल्ला बहुत ज़्यादा बेदार था। अच्छा, एनर्जी खत्म हो गई है। और आप लोग भी थोड़ा सा अगर साथ देंगे तो कुछ मैं भी पढ़ सकूँ, अगर थोड़ा तालियां वालियां अगर बच गई हो मेरे हिस्से के लिए। आइए एक मतला और दो शेर, बिल्कुल नई गजल का मतला हाजिर करता हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ कि यहाँ मेरे सब अपने हैं, इंशाल्लाह आप लोग सब सुनेंगे। मैं पढ़ता हूँ जी इरशाद। मुझे तमाम यहाँ दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे हैं। एक मतला पढ़ता हूँ नई गजल का और उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही हजरात की शिरकत होगी। समाज फरमाए जी। हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। एक इंसान का, एक इंसान का, एक इंसान का अच्छा है भाई, बहुत खूब। एक इंसान का, एक इंसान का, इंसान से शिकवा क्या है। क्या बात है भाई, अच्छा है, थोड़ा सा बेदार हो जाए इंशाल्लाह आप याद करेंगे। जी जी। एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है, एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है। ओ मेरे क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा अली भाई, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेरे पास मेरे भाई झिझकता क्या है। और जिसके लिए मतला पढ़ा नौजवान साथी समाज फरमाए। एक इंसान का आधे चेहरे को, भाई आपकी भी दुआएं चाहता हूं, आधे चेहरे को, आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा, आधे चेहरे, बहुत खूब, दुपट्टे से
छुपाना कैसा, आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा, ये है पर्दा। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, बहुत खूब अली भाई, वाह वाह, लाजवाब भाई, बाकमाल, बहुत उम्दा, जिंदाबाद अली साहब, वाह वाह वाह। एनर्जी के लिए अगर तालियां बजा देते तो शायद कुछ एनर्जी बढ़ जाती है। वाह वाह वाह, आपका भी कुछ हक बनता है, मैं चाहता हूँ आप भी शिरकत करें। एक इंसान का आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना, क्या बात है, वाह, क्या बात है भैया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, पर गले से मुझे लगाया भाई। जेके मीडिया साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनकी तरफ एक कैमरा कर दीजिएगा, हाँ बहुत परेशान है बेचारे, हाजिर करता हूँ। एक इसी सिलसिले का एक शेर और, अगर आप लोगों ने मोहब्बत से इस गजल को सुना तो पूरे हिंदुस्तान में मैं इसको पढ़ूंगा। जी इरशाद, आधे चेहरे को, आइए शेर पढ़ता हूँ, आपकी भी शिरकत चाहता हूँ, इधर वाले भी भाई शरीक हो, समाप्त फरमाए। चेहरा तो दूर है, चेहरा तो दूर है, तो दूर है, आवाज न बाहर जाए। क्या बात है, चेहरा तो दूर है, आवाज न बाहर जाए। चेहरा तो दूर है, आवाज न बाहर जाए, आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा, चेहरा तो दूर है, आवाज न बाहर जाए। जब ये क्या कहने अली भाई, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह 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 भाई, जवाब नहीं, बहुत खूब। जब जे है तो फैशन का तमाशा क्या है, क्या बात है, वाह। हुक्म जब जे है तो, ये चाहता हूँ कुछ अच्छे शेर सुन ले, वरना मैं भी पतली कमर बाली उम्र ये सब मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जब यहाँ पे आया, लोगों की फरमाइश थी दुपट्टे के बिना ये लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, साकी लिखा, कुमार लिखा, जाम लिख दिया, पढ़ना है, मगर चाहता हूँ कि कुछ नए शेर सुने, हाजिर करता हूँ। अगर इस शेर पे आप नहीं बोले तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब नहीं, हाजिर करता हूँ। पंधा इरशाद, इरशाद, आधे चेहरे को, सबकी शिरकत चाहता हूँ, जिन्होंने अब तक की दाद नहीं दी इंशाल्लाह बोलेंगे। अपने शौहर के, अपने शौहर के, अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार। क्या बात है, वाह भाई, अच्छा पैगाम, दिल भाई, बहुत हो, बहुत हो। और मुझे यकीन है कि प्रधान जी इस शेर पे मुझे माला पहनाएंगे, हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार, अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार। फातिमा
जवाब नहीं जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत हो बहुत उमदा जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत उमदा अशआर से आपने नवाजा, वाह पैगाम दिया आपने, बहुत हो वाह 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 वाह। हाजिर करता हूँ, सुनना चाहते पूरा पंडाल हाथ उठा के इजाजत है तालियों से जी। अरे माशाल्लाह, हाजिर करता हूँ, बहुत हो बहुत हो। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में से, अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार, फातिमा वालिया फातिमा वालिया बाजार में फिरना क्या है, फातिमा आएगा दुनिया में न गफलत में रहो, क्या बात है भाई, अच्छा है बहुत खूब। आएगा दुनिया में न गफलत में रहो, वक्त के अली भाई आइए, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत उम्दा अशआर, बहुत उम्दा, बहुत खूब, क्या कहने भाई, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। आइए अली साहब जी जी, इरशाद इरशाद, हाजिर करता हूँ एक मतला और दो तीन शेर और उसके बाद गीत का हुक्म है इंशाल्लाह पढ़ूंगा। बहुत अच्छा आपने सुना मेरे भाई ने, बहुत अच्छा सुना, यहाँ मेरे सब अपने नजर आ रहे हैं, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ, तकरीबन इसी जगह पे कुछ दिन दो तीन साल पहले मैं आया था, यही जगह दिल भाई लेके आए थे, यही कहीं मिठाई की दुकान है वहीं पे बैठ के हम अब्दुल बारी, यहाँ प्रोग्राम नहीं था, ऐसे ही दिल भाई के साथ में आया था, मगर ये नहीं मालूम था कि यहाँ पढ़ने के बाद इतनी ढेर सारी मोहब्बतें आप देंगे, मेरी थकान दूर हो गई, मैं बाराबंकी से जितना भी सफर तय करके आया यहाँ तक। एक मतला और पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात शिरकत करेंगे, समाअत फरमाएं। जी साहब, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, 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 सजदे में डाल देता है, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत उम्दा भाई, जवाब नहीं अली भाई, बहुत खूब। बिस्तर तमाम रात, बिस्तर तमाम रात, बिस्तर तमाम रात। और एक शेर,
माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। जहाँ कहीं भी शेर को मैंने पढ़ा, बड़ी मोहब्बतों से लोगों ने सुना। यहाँ मेरे सब अपने ऊपर वाले भी सुने, नीचे वाले भी सुने, आगे वाले भी सुने, पीछे वाले भी सुने। हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। वो सर तमाम रात खाना 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 था जो भी घर में वो बच्चों को खिला कर। क्या बात है, खाना था जो खाना था जो भी घर में वो बच्चों को खिला कर, बच्चों को खिला कर, बच्चों को खिला कर, खाना था जो भी घर में जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने भाई, बहुत उमदा अली साहब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, शुक्रिया। हाजिर करता हूँ मैं। खाना था जो भी घर में वो बच्चों को खिला कर। रिजवान भाई यहाँ आजमगढ़ से तशरीफ लाए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। बच्चों को खिला कर खाना था जो भी घर में, खाना था जो भी घर में वो बच्चों को खिला कर, बच्चों को खिला कर, बच्चों को खिला कर, बांधा है माँ ने पेट पे पत्थर तमाम रात, पत्थर तमाम रात। और एक शेर पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ तमामी हजरात की शिरकत होगी। समाज फरमा इरशाद। तमाम रात क्या बात, गाफिल शहर की आग से सोता रहा अमीर। वाह वाह वाह। गाफिल शहर की आग से सोता रहा अमीर, सोता रहा अमीर। गाफिल शहर की आग से सोता रहा अमीर, सोता रहा अमीर। गाफिल शहर की आग से, शहर की आग से सोता रहा अमीर, सोता रहा अमीर, सोता रहा अमीर। चलता रहा गरीब का छप्पर अनुरा। क्या बात है भाई, सच्चाई है, बहुत उमदा अली, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये कहां, ये टीम कहां पहले? अच्छा अच्छा, हाँ तो बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए। ठीक, एक शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बिल्कुल रूमानी शेर। हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। इरशाद। गाफिल शहर की आग से सोता रहा अमीर, जलता रहा गरीब का छप्पर तमाम रात। सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। दोनों दोनों की गुफ्तगू में सुबह हो गई मगर। वाह क्या बात है, दोनों के गुफ्तगू में सुबह हो गई मगर। अरे भाई भाई, भाई हेलो। अच्छा, मैं आपके लिए शेर पढ़ता हूँ। दोनों के गुफ्तगू में सुबह हो गई मगर, दोनों के गुफ्तगू में उतरा नहीं था एक भी जेवर तमाम रात। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या कहना भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। एक भी जेवर तमाम रात, दोनों की गुफ्तगू में सुबह हो गई मगर, सुबह हो गई मगर, सुबह हो गई मगर। उतरा नहीं था एक भी जेवर।
पर तमाम रात उतरा नहीं था एक भी जेवर। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जिसको देना है अकमल भाई को दे, बाद में मुझे ये अकमल भाई दे देंगे, ठीक है? हाँ, हाजिर करता हूँ। वैसे भी मैं बहुत ईमानदार हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। जी इंशाल्लाह। तमाम रात एक शेर और मैं पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने अब तक की दाद नहीं दी इंशाल्लाह वो बोलेंगे। आसिफा के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। आसिफा जी, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह। अब मुझे ये देखना, इससे बड़ा प्रधान जी नोट देगा तो कोई दूसरा देगा। हाँ। हाजिर करता हूँ मैं एक शेर आसिफा के हवाले से। आसिफा के अब्बू का ये बयान था कि मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, एक मंदिर ही ऐसी जगह थी जिसमें उसको मैंने तलाश नहीं किया। और अंबर भाई तशरीफ रखते हैं, इधर एडवोकेट साहब तशरीफ रखते हैं। मंदिर और मस्जिद पाकीजा सरजमीन मानी जाती है। मैं दो मिसरे मतलब एक शेर मैं पढ़ता हूँ आसिफा के हवाले से। अगर बात सलीके से हो गई हो तो सबकी दुआएं चाहता हूँ। जी जी जी, पढ़िए इशारा। समाप्त फरमाए, जेवर तमाम रात भगवान तेरे घर में लुटा जिसमें आसिफा। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। भगवान तेरे घर में लुटा जिसमें आसिफा, लुटा जिसमें आसिफा, भगवान तेरे घर में तेरा घर तमाम। वाह, सच्चाई है भाई, जिंदाबाद अली साहब, बहुत खूब, क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। दोबारा पढ़िए भाई, बहुत उत्तम से। पिंडाल हाथ उठा के इजाजत दे मुझे। जी जी इरशाद। भगवान तेरे घर में लुटा जिसमें आसिफा, लुटा जिसमें आसिफा, लुटा जिसमें आसिफा, नापाक हो रहा था तेरा घर तमाम रात, नापाक हो रहा था तेरा घर तमाम रात। और मक्ता मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए, क्या बात है, यूट्यूब पे अली की गजल जब से सुनी है, है यूट्यूब पे अली की गजल जब से सुनी है, यूट्यूब पे अली की गजल जब से सुनी है, गजल जब से सुनी है, वो शेर गुनगुनाती है छुप कर तमाम रात, वो शेर गुनगुनाती है छुप कर तमाम रात। वाह 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 वाह। अरे अली साहब आइए आइए, साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, वाह 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 वाह, आइए जी इरशाद। वाह 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 वाह, पढ़ने दो मुझे, मैं पढ़ूंगा, जो भी कहोगे मैं सब पढ़ूंगा। हाजिर करता हूँ। दिल भाई, मुझे दिल भाई का सुनना था इसलिए मैं सोच रहा जल्दी बैठ जाऊं, जल्दी दिल भाई का नंबर आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं गीत सुनाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। गीत आप बिल्कुल सुनेंगे, मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे जो आसिफा के हैं। हाँ मैं गीत, नहीं नहीं मैं गीत पढ़ूंगा, अगर अच्छा ना लगे चार मिसरा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुझे वापस कर देना, ठीक है? हाजिर करता हूँ मैं आखिरी मिसरे में, अगर बात मुकम्मल हो गई हो तो अरे शख्स की मुझे दुआएं चाहता हूँ। देखिएगा आसिफा के हवाले से मैंने वो शेर पढ़ा जो आप लोगों ने सुना, तेरे घर में लुटा जिसमें आसिफा, नापाक हो रहा था तेरा घर तमाम रात। ऐसे लोगों को और राम रहीम को क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं। जी जी, बेटियों की
बेटियों की इस मतें जो कर रहे हैं तार तार, क्या बात है, वाह, कर रहे हैं तार तार। हाजिर करता हूं बेटियों की इस मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार। आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, ये लोग बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, अपनी शिरकत जता रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। समाज फरमाए कर रहे हैं तार तार, लड़कियों की इस मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार। उनको उनको जिल्लत के समंदर में डुबोना चाहिए, में डुबोना चाहिए उनको जिल्लत के समंदर, उसको जिल्लत के समंदर में डुबोना चाहिए, में डुबोना चाहिए। धर्म का धर्म का चोला पहन कर ऐसे बाबाओं को सीधे जिंदाबाद, वाह 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 भाई, क्या कहने हैं अली भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। धर्म का चोला पहन जो करे अय्याशियां, धर्म का चोला पहन ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुना, मैं चार मिसरे और इसी सिलसिले के पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो चार गीत आपका, मुझे गीत याद है भाई, आपकी वजह से बहुत अच्छा सुन जी इरशाद। मैं हाजिर करता हूँ चार मिसरे और, प्रधान जी देखिएगा, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए इरशाद। हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कहीं का भी, वो अपने ऊपर हर चीज बर्दाश्त करता है, मगर सरकार दो आलम पे कोई उंगली उठाए ये मुसलमान को कतई बर्दाश्त नहीं। अगर सीने में दिल है, दिल में धड़कन है, तो इंशाल्लाह जरूर आप बोलेंगे। मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे, ये नौजवान साथी जो गजल सुनना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस्लाम पे कहीं आँच आई तो इंशाल्लाह सबसे पहली सब में यही नौजवान मेरे साथी नजर आएंगे। मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे, उम्मीद करता हूँ समाप्त फरमाए। वो हो कमलेश, वो हो कमलेश या तस्लीमा नसरी, हो कि रुश्दी हो, अरे वाह क्या कहने, भाई अच्छा है। कमलेश या तस्लीमा नसरीन, हो कि रुश्दी हो, ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। कह दीजिए हाथ उठा के इंशाल्लाह, ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया, वाह वाह, ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। कर करेगा जो कोई तो ही सरकार दो आलम की, मुसलमान काट लेंगे सर ये सर अपने बता दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
क्या कहने भाई अली भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे भाई भाई जिंदाबाद। हाजिर करता हूं मैं, बहुत अच्छा सुना। मुसलमान काट लेंगे सर, यसर पुना कटा देंगे। मैंने अब तक की जो भी मिसरे पढ़े आपने कुछ दादो से नवाजा या नहीं नवाजा, मैं जो अब चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ हुकूमत से मैंने शिकवा किया है। अगर वही शिकवा आपका भी हो तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। बहुत अच्छा सुनने, समाज फरमाए नौजवान साथी जुड़िएगा, समाज फरमाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ और मुसलमान काट लेंगे सर अपना कटा देंगे। तारीख की रोशनी में यहाँ तमाम उलमा हजरात तशरीफ रखते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते, जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हाथ उठा के, अगर आप हैं वहाँ पे तो हाथ उठाइए, होने का सबूत दीजिए कि हैं। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने। क्या बात है, वाह। जमाने वालों तुम ऐसे हुकूमत लावो तो जाने, जमाने वालों तुम ऐसे हुकूमत लावो तो जाने। आखिरी मिसरे में जुड़िएगा। जमाने वालों तुम ऐसे हुकूमत लावो तो जाने, अगर रुक के जैसी अदालत लावा। अली भाई जिंदाबाद, क्या कहने। वाह भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे जिंदाबाद, क्या कहने। वाह, ये दिल भाई का हुक्म है। मैं फिर से चार मिसरे पढ़ दूं क्या। हाजिर करता हूँ मैं, समाज फरमाए। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसे हुकूमत लावो तो जाने, अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको, अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको, उमर फारूक के जैसी अदालत लावो तो जाने, उमर फारूक के जैसी अदालत लावो तो जाने। यही पा कहते हैं मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाए। चार मिसरे और मुझे याद आए। यही पा जी, हमको जीना है, यही पा तुमको जीना है। वाह, यही पा हमको जीना है, यही पा हमको मरना है। दूसरा मिसरा सच्चा हो तो सबकी शिरकत चाहता हूँ। यही पा हमको जीना है, यही पा हमको मरना है, यही पे मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे। वाह 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 वाह, कब्रिस्तान जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, जहां जाना कब्रिस्तान जाएंगे, जहां जाना है तुम जाओ, यही
अपनी छोड़ के धरती न पाकिस्तान। वाह 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 अली भाई बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहने। वाह वतन से वफादारी का सबूत बहुत अच्छे अंदाज में दिया क्या कहने भाई अली जिंदाबाद। वाह 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 गीत पढ़ू। हाँ मुझे मालूम है ये खैराबाद है जहाँ पानी पिला पिला के पढ़वाते हैं हर शायर को। मगर मैं आपको सलाम पेश कर मैं तो डर रहा था कि ढाई बज गया है दो से तीन के दरमियान में मैं पढ़ रहा हूँ। सब बिल्कुल नींद की आगोश में जा चुके हैं मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बेदार हुए मेरे पढ़ने में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मंजूर प्रधान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना अच्छा मुशायरा सजाया और बनाया इतने अच्छे सामाइन के सामने मुझे आने का मौका दिया। मैं भाई की फरमाइश से गीत मैं पढ़ता हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मगर बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ और पढ़ता हूँ दो तीन। जी साहब बिल्कुल पढ़िए। ले गई ले गई है। ले गई दिल भाई कहने ले गई 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 बाखुदा ले गई। अरे वाह क्या बात है। वाह 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 ले गई ले गई बा ले गई ले गई बा खुदा ले गई। आए चुप कैसे वो आए चुप कैसे वो दिल चुरा ले गई। क्या बात है। वाह 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 ले गई बा खुदा ले गई। और नौजवान साथी समाप्त करें सारी बदनामियां सारी बदनामियां सारी बद। इधर कोई नौजवान नहीं है क्या। अच्छा है सारी। अच्छा है माशाल्लाह हाजिर करता हूं मैं आपके लिए शेर। सारी बदनामियां आ गई सारी बदनामियां मेरे सर आ गई सारी बदनामियां मेरे सर आ गई। और वो प्यार अपना छुपा ले गई ले गई ले। अरे वाह 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 ले गई। और एक शेर पढ़ता हूँ जिसमें तस्वीर आती थी उसकी नजर। अरे वाह जिसमें तस्वीर आती थी उसकी नजर जिसमें तस्वीर आती थी उसकी नजर जिसमें तस्वीर आती थी उसकी नजर मेरे कमरे से वो मेरे कमरे से वो आईना ले गई ले गई ले गई बा खुदा ले गई ले गई ले गई बा खुदा ले गई ले गई ले गई बा खुदा ले गई। बहुत अच्छा आपने सुना। एक मतलब और दो तीन शेर। जी जी शाह वाह 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 अच्छा एक बार तालियां बजा दे तो कुछ एनर्जी आ जाए मेरे भी। हाँ। जी बहुत बहुत अच्छा लगा। हाजिर करता हूँ एक मतला और दो तीन शेर समाज फरमाए मेरी हिट गजल है वो मैं पढ़ता हूँ समाज फरमाए। सुहानी शाम हाजिर करता हूँ सुहानी शाम सुहानी शाम की रानाइयां अच्छी नहीं लगती। एक मतला दो तीन शेर। सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती। तेरे बिन
अब मुझे पुरवाया अच्छी नहीं लगती तेरे बिन, अब मुझे क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छी नहीं लगती। और जिसके लिए मैंने ये मतलब पढ़ा वो शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाए हाया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है, वाह शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है, हाया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है, दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगते। अरे वाह 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 अली भाई बहुत खूब, वाकई इस माहौल को देखते हुए कहना पड़ेगा कि वैशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे।